नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृति। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साहसी और पतिव्रता करवा धोबिन की कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति में। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक धोबिन तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बहुत ही वृद्ध और निर्बल था। एक दिन वह नदी किनारे कपड़े धो रहा था, तभी एक मगरमच्छ वहां आया और उसका पैर अपने दांत में दबाकर उसे यमलोक ले जाने लगा। जब निर्बल पति से कुछ कहते नहीं बना, तब वह करवा करवा कहकर अपने पत्नी को पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर करवा वहां दौड़ी चली आई और उसने देखा कि मगरमच्छ उसके पति को यमलोक की ओर ले जा रहा है। वो उसे यमलोक पहुंचाने ही वाला था, तब करवा ने मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया और वो खुद उसे यमपुरी के द्वार पर ले आई और उसने यमराज से कहा, ये मगरमच्छ मेरे पति का पैर मुंह में दबाकर उसे मार रहा था, अतः आप उसे कड़े से कड़ी सजा दे और उसे नरक में भेज दे। तभी यमराज बोले कि अभी नहीं, अभी तो मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं उसे अभी नहीं नरक भेज सकता। तो ये सुनकर करवा को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर मेरे पति को बचाने के लिए तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मैं तुम्हें श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर यमराज बहुत ही डर गए। उन्होंने मगरमच्छ को तुरंत यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया और उन्हें सशक्त बना दिया। तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया, जिसे आधुनिक युग में भी महिलाएं पूरे भक्ति भाव के साथ करती है और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन क्लिक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।